नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आइडल के बारे में। मोस्ट पॉपुलर सिंगिंग शो है हमारे इस चैनल का। मतलब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंडियन आइडल के बारे में आप बता दो, आप हमें सिखा दो कि भाई कैसे ऑडिशन देना है, कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, ऐसी चीज़ें आप हमसे पूछते रहते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपको हर तरह से अपडेट करने का। इंडियन आइडल के बारे में देखो, अगर मैं होनेस्टली आपको बताऊं तो अभी तो फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है और मे बी आपको एक महीना लग जाएगा कि कोई लेटेस्ट अपडेट आने में। अभी आपने देखा विशाल ददलाली ने जो कोर्स लॉन्च किया है उसको भी डिकोड करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। बट फिलहाल आज इस वीडियो के अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। अगर आप सिंगिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार आप हम भी उस तरह का मुकाम हासिल कर सके जो और सिंगर्स कर रहे हैं जिनका नाम है, आप भी अगर ऐसा नाम करना चाहते हैं तो फिर आपको इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर देखना चाहिए। अभी जैसा कि ऐसा बोला जाता है कि अगर आप एक मोस्ट पॉपुलर सिंगर बनना चाहते हैं तो फिर आपको किसी ना किसी शो में जाना ही पड़ेगा, चाहे वो इंडियन आइडल हो, सारेगामापा हो, कोई भी ऐसा शो हो जो मोस्ट पॉपुलर हो, उसके अंदर आप जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए, ऑडिशन दीजिए, टेलीविज़न स्क्रीन पे आइए, तब आपका नाम होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा आज के टाइम में जितने भी विनर्स हैं, चाहे वो इंडियन आइडल के हों या फिर किसी अदर शो के हो, आज वो किसी मुकाम पे ज़रूर हैं। तो अभी मैंने आपको ये बोला कि भाई इंडियन आइडल की कोई भी अपडेट नहीं है, तो फिर आपको ये सुनकर वीडियो को क्लोज नहीं करना क्योंकि आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अभी जितने भी लेटेस्ट शो हो रहे हैं, जितने भी लेटेस्ट ऑडिशंस हो रहे हैं, उसमें कंटेस्टेंट के साथ एक प्रॉब्लम हो रही है। जो भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनके साथ एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को लेकर मैं बात करूँगा। पहले क्या हुआ करता था, जब आप सेकंड राउंड के लिए जाते थे यानी रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप ग्राउंड ऑडिशन के लिए जाते थे तो आपसे वो सिंगिंग करा के देखते थे कि आपसे बोला जाता था कि आप सिंगिंग करके दिखाओ किसी भी गाने के ऊपर। तो फिर अभी ऐसा नहीं होता बिकॉज इसके पीछे एक रीज़न आ गया है। जितने भी लोग होते हैं वो एक गाने की बहुत बार प्रैक्टिस करके उनको फिर आइडिया लग जाता है कि बेसिकली कैसे इस गाने को गा सकते हैं, इसीलिए इस चीज़ को हटा दिया गया है। अभी जितने भी लेटेस्ट ऑडिशंस होंगे इसके अंदर आपसे रेंज भी पूछी जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी हाईएस्ट रेंज कितनी है, आपकी लोएस्ट रेंज कितनी है, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अभी जो भी आपके ऑडिशंस ले रहे हैं, जो भी ऑडिशंस कंडक्ट कर रहे हैं, वो आपसे आपकी वोकल रेंज पूछते हैं कि आपकी वोकल रेंज कितनी है। जैसे अभी बात करें तो इंडियन आइडल के ऑडिशंस कंडक्ट करने वाले मंगल सर भी इसी बात को लेकर बहुत से बार बोल चुके हैं कि अपने रेंज के ऊपर काम कीजिए। तो गाइस अभी आपको सॉन्ग के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करनी, अपने वोकल्स, अपने नोट्स, अपने सुर के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसको और अच्छे से कर सकें और कोई भी मौका आप अपने हाथ से जाने ना दें। मेरे हिसाब से तो आपको अब अपने वार्म अप की प्रैक्टिस करनी चाहिए, डेली आपको वार्म अप करना चाहिए। अगर आप वार्म अप की प्रैक्टिस करते हैं तो ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप अच्छे से करते हैं तो फिर आपको टाइम का भी नहीं पता चलता, बट अगर आप इसको नहीं करते तो फिर आपकी आवाज़ भी खराब हो सकती है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, सुबह उठते ही वो वार्म अप की प्रैक्टिस करने लगते हैं, गाना गाने स्टार्ट करने लगते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। थोड़ा ब्रेक लेना है, उसके बाद अगर आप वार्म अप की प्रैक्टिस करते भी हैं तो आपको जो लो रेंज वाले सॉन्ग्स हैं उसको स्टार्टिंग में गाना है, फिर धीरे धीरे हाई रेंज अपना लेवल बढ़ाते जाना है। इस तरह से आपको वार्म अप करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत में ही आपको हाई रेंज वाले सॉन्ग्स को चूज़ करके गाने नहीं बैठना है, इससे आपका गला खराब हो सकता है, स्ट्रेच आ सकता है उसके अंदर। जब आप वार्म अप स्टार्ट करते हैं तो आप शुरुआत हम से कर सकते हैं और हमिंग कर सकते हैं, और उसके बाद आप किसी भी जो भी नोट्स आपको पसंद है या फिर जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उस नोट से स्टार्ट कर सकते हैं। बट जितने भी बिगनर्स होते हैं उनको जो मोस्ट पॉपुलर सिंगर्स हैं वो यही राय देते हैं कि उनको सी शार्प से स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि सा से उनको स्टार्ट करना चाहिए। तो सा भी दो तरह के होते हैं, एक होता है अगर आप बोलते हैं सा, एक होता है शा, यानी कि एक बिल्कुल स्ट्रेट वाला सा होता है और एक होता है शी शार्प वाला, यानी कि नीचे से ऐसे ऊपर जाने वाला।
तो आपको हमेशा सीधे वाले सा की प्रैक्टिस करनी चाहिए और जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए सा की, क्योंकि सा से ही आप अपने बिगनर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। और वहीं अगर आप हमिंग करते हैं, जैसे कि ऐसे आप हमिंग करते हैं, तो इसको ब्रेक डाउन में भी हमिंग कीजिए, जैसे कि ऐसे करके आप हमिंग कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि मैं इतना मतलब कुछ खास सिंगर नहीं हूँ, मैं गाता भी नहीं हूँ बेसिकली, बट मैं आपको एज अ प्रैक्टिस के तौर पे बता रहा हूँ। मोस्टली लोग इसी तरह से रिहर्सल करते, तो आप भी हमिंग के साथ सा के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका वोकल रेंज बढ़ेगा और आप हाईएस्ट रेंज तक जा सकते हैं, लोएस्ट रेंज तक भी जा सकते हैं सिर्फ इन दो प्रैक्टिस से। वहीं आप तानपुरा के साथ अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके पास तानपुरा नहीं है तो फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके तानपुरा का सा डाउनलोड करके उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो गाइस, जो सांस होती है वो सबकी बराबर नहीं होती, तो अगर आपकी सांस वीक पड़ रही है तो आप उस नोड को उधर ही छोड़ दीजिए, दोबारा नई फ्रेश ब्रेथ लीजिए, उसके बाद आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी सांस टूट रही है, वीक पड़ रही है और आप उसको लंबा खींचे जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप अच्छा गा सकें, ये नहीं करना। जितनी आपकी सांस है उसी हिसाब से आपको सिंगिंग करनी होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सकते हैं या फिर इनहेरिटेंस पीपल्स बोल सकते हैं, जिनकी सांस काफ़ी लंबी होती है, बट अगर आपकी सांस लंबी नहीं है तो फिर आप उसको उतना लंबा ट्राई मत कीजिए। दूसरा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लंबी सांस करने की। इसके लिए जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड बोला जाता है वो स्विमिंग है। स्विमिंग जितने भी सिंगर्स करते हैं या अगर आप स्विमिंग करते हैं तो फिर आपकी जो सांस है उसकी रेंज बढ़ जाएगी और आप हाई रेंज के नोट्स या फिर हाई रेंज के स्वर को भी गा सकते हैं, लो रेंज तक भी आप जा सकते हैं, तो आपके जो स्वर है उसके अंदर खिंचाव या फिर वीकनेस देखने को नहीं मिलेगी। तो एक स्विमिंग बहुत बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मेथड मैं इसको बोलना चाहूँगा अगर आप एक सिंगर हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी बात, जब आप रिहर्सल करते हैं तो खड़े होकर ही रिहर्सल कीजिए। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे सिंगर बैठ कर भी, लेट कर भी, कैसे भी रिहर्सल कर सकते हैं, कैसे भी वो गा सकते हैं, बट अभी आप बिगनर हैं, आप शुरुआती दौर पर, तो फिर खड़े होकर ही रिहर्सल करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। जब आप महारत हासिल कर लेते हैं, स्वरों में पकड़ जमा लेते हैं, उसके बाद आप कैसे भी रिहर्सल कीजिए फिर वो आपका जरिया रहेगा। बट अभी मैंने अक्सर देखा है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर कोई कैसे गाना गा रहा है, कोई कैसे गाना गा रहा है, कोई कैमरे के बिल्कुल आगे आके गाना गा रहा है, ऐसा आपको नहीं करना है। कोशिश कीजिए खड़े होकर प्रॉपर वे में, प्रॉपर चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको आपको मतलब अच्छे से गाना गाना है। दूसरा, आपको अपने स्वरों के ऊपर, अपनी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी ध्यान देना है और प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका दिमाग और कहीं चल रहा है और जो गाना गा रहे हैं वो सिर्फ मुंह से निकल रहा है। नहीं गाइज, आपका ब्रेन भी उस गाने की तरफ रहना चाहिए कि आप क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो फिर ग्राउंड ऑडिशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और वहीं गाइज, सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको अपने इस गले का ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक एसेट्स है आपके लिए, सिंगर्स के लिए बहुत बड़ा ये एसेट्स है, क्योंकि एसेट्स यानी कि वो चीज़ जो आपको आने वाले टाइम में पैसा कमा कर देगी। तो सिंगर्स को जो पैसा कमा कर देती है, जो उसको करियर बिल्ड करने में हेल्प करती है, वो उसका गला होता है। तो आपको अपने गले का ध्यान रखना है। जब भी आप ऑडिशन के लिए जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि उससे अगले दिन आप काफ़ी अच्छे से सोइए। ऐसा नहीं कि आप 4 घंटे की नींद लेकर ही रिहर्सल करने चले गए या फिर ऑडिशन देने चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको 7 से 8 घंटे सोना है ताकि आपके गले को रिलैक्स मिल सके और आप किसी भी तरह की गलती ना कर सके। वहीं आप जब ऑडिशन की लाइन में लगते हैं तो चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक या फिर आपको किसी भी ठंडे चीज़, आइसक्रीम, इनका सेवन नहीं करना। गोलगप्पे या कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत तीखी हो, बहुत मीठी हो, ऐसी चीज़ नहीं खानी। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपका जो स्वर है, आपके जो नोट्स हैं वो सही से नहीं निकलेंगे, जिसकी वजह से आपका सॉन्ग ख़राब हो सकता है, आपके गले में खिंचाव आ सकता है और भी बहुत बड़े बड़े रीजंस हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप सेकेंड राउंड के लिए जाते हैं। फिलहाल
जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट राउंड आपको रजिस्ट्रेशन राउंड होगा इंडियन आइडल का, जिसके अंदर आपको 1 मिनट की वीडियो बनानी होगी। वही वीडियो आपको सेकंड राउंड तक ले जाएगी। तो आपको अपनी प्रैक्टिस रखनी है, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप फर्स्ट राउंड को क्रैक कर सके, उसके बाद आप सेकेंड राउंड में जा सके, देन आप टेलीविज़न स्क्रीन राउंड तक जा सके। तो गाइज ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। बाकी मैं फिर से बोलना चाहूँगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर 500 से भी ज़्यादा सिंगर्स हैं जो कि कंटिन्यूसली आपकी वीडियोस को देखते हैं, उनको रिव्यू करते हैं। मैं कोशिश करूँगा मोस्टली जितने भी सिंगर्स हैं वो एक्टिव रहें और हर तरह की सिंगिंग वीडियो के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। कोशिश करें कि दूसरों की भी हेल्प करें, सभी सिंगर धीरे धीरे आगे बढ़ें। और जितनी भी अपडेट होंगी सिंगिंग को लेकर मैं लाता रहूँगा, चाहे वो इंडियन आइडल हो, सारेगामापा हो या फिर और कोई सिंगिंग रियलिटी शो हो, सबकी अपडेट्स मैं आपको लाने की कोशिश करता रहूँगा। तो गाइज मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।